suffered most, let him speak first. चलो अब ये सही हो गया, आ जाओ अब डिस्कस करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले ये समझना है कि जो सेंटेंस है ये गलत क्यों है, क्योंकि सही तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये समझ में आना चाहिए ये गलत क्यों है। तो देखो उसके लिए समझना, यहां पर हमने एक हैज सफर्ड वर्ब लिखी है, ये हमारी वर्ब वन हो गई, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हु है, देन ठीक है ये सब्जेक्ट वन हो गया। उसके बाद हम एक वर्ब और देखें तो यहां पर एक वर्ब लिखी हुई है लेट, ये वर्ब टू है, ठीक, स्पीक वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो जो लेट वर्ब है उसका सब्जेक्ट है ही होना चाहिए, भाई हु जो है वो है सफर्ड का सब्जेक्ट हो गया, तो ही जो है वो लेट का सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, क्यों नहीं है ये समझिए। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो लेट हिम स्पीक फर्स्ट हमने लिखा ना, ये एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है कि भाई उसे पहले बोलने दिया जाए, तो ये एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। इसका लेट का सब्जेक्ट यू है, अगर इस लेट का सब्जेक्ट ही होता तो ये सही हो जाता, भाई है सफर्ड का सब्जेक्ट हु हो गया और लेट का सब्जेक्ट ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही हो नहीं सकता लेट वर्ब का, क्योंकि लेट इंपेरेटिव मूड में लिखी गई वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट है यू, तो अगर इसका सब्जेक्ट यू है तो फिर ही किसका सब्जेक्ट है, अब कोई ना कोई तो वर्ब जरूर होगी, तभी तो ही सब्जेक्ट यूज किया गया होगा, तो वो जो ही है उसकी हमारे पास वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस की मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, लेट हिम स्पीक फर्स्ट जो है वो एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है जिसमें लेट का सब्जेक्ट यू है, ठीक है, हैज सफर्ड वर्ब का सब्जेक्ट हु है, लेकिन जो ही है वो किस वर्ब का सब्जेक्ट है यहां पे मेंशन नहीं है, ये मिस्टेक है कि हमने सब्जेक्ट यूज किया उसके लिए वर्ब नहीं यूज कर रहे, ये गलत है, ठीक। अब होना क्या चाहिए कायदे से कि ये जो ऐसे प्रोनाउन में क्या होता है, इस तरीके का जब कॉन्सेप्ट कभी आता है पेपर में तो प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें हम हु को हुम करके सही कर लेते हैं, मान लो हमें लगे कि हमारे पास वर्ब ज्यादा हो गई सब्जेक्ट कम पड़ गए, ठीक है, तो हम हुम को हु कर देते हैं, और यहाँ पर भी वही है, हमें पता है कि हमारे पास सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया, वर्ब है नहीं, तो इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना दें, हु को हुम कर दें, लेकिन अगर हम हु को हुम कर दें तो वो जो हुम है वो इस है सफर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, क्यों, सफर वर्ब इंट्रांसिटिव है, ठीक, तो वो जो हु है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट ही रहेगा, वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो अगर वो हु इस वर्ब का सब्जेक्ट ही रहेगा तो फिर ही होना चाहिए था बाद वाली वर्ब का सब्जेक्ट, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ही बाद वाली वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए था, ध्यान से देखो वो इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने हिम लिखा ना, ये हिम कोई और थोड़ी है, वही ही है, तो वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही को होना चाहिए था बाद वाली वर्ब का सब्जेक्ट, लेकिन बन गया है ऑब्जेक्ट, तो ये हमें करेक्शन करना है कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए था, ये ऑब्जेक्ट क्यों बन गया। अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना इंग्लिश में आसान होता, वॉइस चेंज कर दो, वॉइस चेंज कर देने से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो वॉइस चेंज करने पे होगा क्या, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा लेट कमल गो, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसका वॉइस चेंज करें सारे बच्चे, लेट कमल गो जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का ना वॉइस चेंज करें, चलो करो लेट कमल गो, इस स्टेटमेंट का वॉइस चेंज करो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें, लेट कमल गो को अगर हम वॉइस चेंज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, लेट कमल गो अगर हम इसको पैसिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो इसमें होगा क्या मैं आपको बताऊं, जब यहां पे ध्यान से देखो तुम्हारे पास दो वर्ब है, एक वर्ब है लेट जो कि मेन वर्ब है,
और एक वर्ब है गो जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है बेयर इन्फिनिटिव, और इस लेट वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कमल, उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो जब हम लेट वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो होगा क्या कि जो इसका ऑब्जेक्ट है कमल वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा कमल, तो यहाँ पे कमल ऑब्जेक्ट, यहाँ कमल सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, लेट वर्ब को जब आप पैसिव करोगे तो होता क्या है, इसकी पैसिव फॉर्म होती है शुड बी अलाउड, ठीक है, लेट का यूज़ पैसिव में नहीं होता, तो इसकी पैसिव फॉर्म होती है शुड बी अलाउड, तो पैसिव में हम वही लिख देंगे कमल शुड बी अलाउड, ठीक है। और ये जो गो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा कमल शुड बी अलाउड टू गो, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने एक दो ने गलत किया था, वो अपना समझ लें, इसका वॉइस ऐसे चेंज होता है। एक मैं और सेंटेंस लिख रहा हूँ, लो इसका चेंज करो अपने आप, लेट मी, लेट मी गो, गो के अलावा चलो कुछ और लिख देते हैं, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, लो इसका भी वॉइस चेंज करो, मतलब वही तरीका है जैसे उसको किया वैसे ही से कर दो, लेट मी स्लीप, सोने दो मुझे। लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, चेंज द वॉइस, अब देखो इसमें भी यही होगा, ये हमारी मेन वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तो उसी का वॉइस चेंज हो सकता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं उसका वॉइस नहीं चेंज हो पाएगा। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जो मी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। लेट वर्ब की पैसिव फॉर्म होती है शुड बी अलाउड, तो यहाँ पे शुड बी अलाउड हो जाएगा, आई शुड बी अलाउड। बेयर इन्फिनिटिव जो है वो फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू स्लीप, ये लो बन गया पैसिव, आई शुड बी अलाउड टू स्लीप। तो लेट के साथ में लिखी गई वर्ब का हम पैसिव ऐसे बनाते हैं, तो ये जो हमने लिखा ना लेट हिम स्पीक फर्स्ट, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक फर्स्ट, क्या बनेगा, जैसे लेट हिम स्पीक फर्स्ट को अगर हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है इस वर्ब का, तो ये हो जाएगा ही शुड बी अलाउड टू स्पीक फर्स्ट। लेकिन ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही लिखा हुआ है, ये लिखा ना पहले से ही, तो हम ही नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट तो पहले से ही हमारे पास लिखा हुआ है, बस हम ये लिख देंगे शुड बी अलाउड टू स्पीक फर्स्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ऐसे लिख देने से हुआ क्या, ऐसे लिख देने से ये हुआ कि जो हमारी वर्ब वन थी है सफर्ड, इसका सब्जेक्ट है हु हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट वन हो गया, और वो जो शुड बी अलाउड हमारी वर्ब टू है उसका सब्जेक्ट है ही हो गया, तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही हो गया, ठीक। चलो, तो ये था हमारी लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो हमने डिस्कस नहीं किया था, आज के लिए छोड़ दिया था, तो ये भी डिस्कस हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, आंसर बताना। दे कुड नॉट ब्रीद प्रॉपरली, ठीक है, आई शैल एडवाइज हिम टुमारो, वी आर अवेयर ऑफ इट्स अफेक्ट ऑन ह्यूमंस। चलो, ये दो तीन मैंने सेंटेंस लिखे, एक बार इनको सही करो। तो
अब देखो यहां पर सबसे पहले समझ लेना मसला क्या है कि वर्ब्स नाउन्स, जैसे हमें पता है कि इंग्लिश में काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब भी होते हैं नाउन भी होते हैं, जैसे हेल्प है, यहाँ देखो हेल्प है, सपोर्ट है, रेन है, नीड है, नीड तो इवन मॉडल भी होता है, ठीक है, क्राई है, ट्राई है, सजेशन तो खैर नाउन हो जाता है, ठीक है, वांट है, लैक है, ठीक है, एंड मैनी मोर। तो इंग्लिश में काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन्स और वर्ब्स दोनों ही होते हैं, मतलब नाउन के तरीके से भी यूज़ होते हैं, वर्ब्स के तरीके से भी यूज़ होते हैं, फॉर्म सेम रहती है, मतलब फॉर्म उनकी होती है कॉमन, कॉमन होती है, कॉमन फॉर्म में ही रहते हैं, वो नाउन भी होते हैं वर्ब भी होते हैं, हेल्प है, सपोर्ट है, रेन है, नीड है, स्लीप है, ट्राई है, वांट है, ये सब है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो होते तो नाउन वर्ब दोनों ही है लेकिन उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे BREATHE ब्रीद, ये वर्ब है, BREATH ब्रेथ ये नाउन है, ठीक है, BATHE बेथ ये वर्ब है, BATHE बाथ ये नाउन है, ADVISE वर्ब है, ADVICE नाउन है, PRACTISE वर्ब है, PRACTICE नाउन है, ठीक है, AFFECT अफेक्ट वर्ब है, EFFECT इफेक्ट नाउन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन और वर्ब तो दोनों ही होते हैं बट उनकी स्लाइट देर इज स्लाइट डिफरेंस इन देयर मीनिंग स्पेलिंग, उनके स्पेलिंग में ना स्लाइट डिफरेंस हो जाता है जब उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ ये कुड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आती है, तो जो हमने ब्रेथ लिख रखा है तो इसकी नाउन वाली स्पेलिंग है, वर्ब वाली स्पेलिंग ये है ब्रीद, ये है ब्रीद, वो है ब्रेथ, ठीक है। फिर हमने लिखा आई शैल एडवाइस, शैल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, अभी एडवाइस मेन वर्ब तो है नहीं है तो नाउन है, तो इसकी वर्ब फॉर्म लिखो एडवाइस, ठीक है। फिर हमने लिखा वी आर अवेयर ऑफ इट्स अफेक्ट, अब देखो ये ऑफ प्रिपोजिशन है, ये वर्ड इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, साथ ही साथ में हमने इससे एक पहले डिटर्मिनर लिख रखा है, तो अगर डिटर्मिनर लिख रखा है तो इसका मतलब ये वर्ड नाउन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नाउन तो अफेक्ट होता नहीं है, इसकी नाउन फॉर्म होती है इफेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं कि ये वर्ब और नाउन दोनों ही होते हैं लेकिन इनकी फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। निकल रहा है, भाग जा, नीचे कोई आया था वो।